2024 में आप यूजी, पीजी या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है, तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं इस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पे और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। 2024 में आप यूजी, पीजी या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है और पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको ध्यान से देखिए। ये द हिंदू का 11 तारीख का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, न्यूज़ है, और ये जो स्टेटमेंट है जो यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश कुमार ने ये बातें कही हैं, और उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा है कि अब जो एडमिशन होंगे साल में 2 बार होंगे। आपका एडमिशन जो होगा, चाहे यूजी, पीजी और पीएचडी में, बीए और बैचलर डिग्री में, स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएचडी में, वो अब साल के 2 बार होंगे, 2 बार होगा, यही इसमें बताया गया है। और उन्होंने क्या कहा है ये बताया गया है, यूजीसी के चेयरमैन है ये, इन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा है कि अब विदेशी विश्वविद्यालय के आधार पर अब यहाँ भी साल में 2 बार एडमिशन होगा, क्योंकि हम अब विदेशी यूनिवर्सिटियों से टक्कर लेने के लिए, कम्पटीट करने के लिए ये नियम बनाया गया है। और देखिए लिखा है कि दो बार होगा, और ये 2 बार कब होगा, देखिए जुलाई और अगस्त में होगा और फरवरी और जनवरी और फरवरी में होगा। तो जैसे कि अभी जुलाई अगस्त में आपका एडमिशन हो गया तो हो गया, अगर आप बच गए एनी हाउ किसी कारण से, तो आप फिर फरवरी में आप एडमिशन ले सकते हैं 25 में इसी सेशन में। तो यही ये बताया गया है, इसमें पूरे डिटेल्स, और बताया गया है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसके बेनिफिट बहुत है स्टूडेंट को के लिए, और जो स्टडी करना चाहते हैं उनका समय बचेगा, इनका ऐसा कहना है, कुमार, जगदीश कुमार का इन्होंने पूरा दिया है। और नोट भी मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ऑफल बाइनरी एडमिशन लें, 1 साल आप वेट करें, इन्होंने यही सब बताया है इसमें। अब इसी न्यूज का, ये न्यूज़ हर जगह प्रकाशित हुआ है, हिंदी हर लैंग्वेज में, तो आपको हिंदी जो न्यूज में छपा हुआ है उसमें दिखा देते हैं कि ये खबर क्या है और इसमें क्या क्या डिटेल्स में दिया है। ये मैं अथेंटिसिटी के लिए दिखा दिया कि द हिंदू में ये पब्लिश हुआ है, हिंदू एक अंग्रेजी का जाना माना रिपोर्टेड न्यूज़पेपर है, इसलिए मैंने इसको दिखाया। अब मैं हिंदी के न्यूज़पेपर में ही दिखा देता हूँ इस खबर को पूरा डिटेल्स में, क्योंकि जो व्यूवर है ज़्यादातर वो हिंदी ही जानते हैं और हिंदी ही पढ़ते हैं, तो उसको भी दिखा देना यहाँ पर ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, और एक हिंदी न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को किस तरह से कवर किया है वो भी आपको बता दें। तो ये देखिए जो न्यूज़ है, ये दैनिक हिंदुस्तान में छपा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ, यही प्रकाशित हुआ है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि अब साल में 2 बार एडमिशन दे सकेंगे विश्वविद्यालय व कॉलेज, प्लेसमेंट भी होगा 2 बार, यूजीसी ने दी खुशखबरी, ये यूजीसी की खुशखबरी है। और देश के, लिखा है कि देश के विश्वविद्यालयों में रेगुलर कोर्सेज में छात्र छात्राओं को 2 साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को साल में 2 मरतबा एडमिशन लेने की अनुमति दे दी है। तो अब आप एडमिशन ले सकते हैं साल में 2 बार। न्यूज़ क्या है ये, इसमें दिल्ली से फारिया अख्तियार ने लिखा हुआ है, पंकज इसको एक ही है, इसमें लिखा हुआ है कि देखिए दैनिक हिंदुस्तान का है ये, कि देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रेगुलर कोर्सेज में छात्र छात्राओं को 2 साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को साल में 2 मरतबा एडमिशन लेने की अनुमति दे दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। कुमार ने बताया कि यह निर्णय 5 मई को आयोजित यूजीसी की बैठक के दौरान लिया गया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय और कॉलेज
हर साल जुलाई अगस्त में रेगुलर कोर्सेज में छात्रों को एडमिशन देते हैं, और भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में जुलाई अगस्त से सेशन शुरू होता है और मई जून में समाप्त होता है। ये हो गया, और आगे क्या लिखा है ये बता देते हैं कि कुमार ने ये भी जानकारी दी कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी 2 साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट को साल में 2 बार रोजगार पाने का मौका मिलेगा। पिछले साल यूजीसी ने शैक्षणिक वर्ष के दौरान जनवरी और जुलाई में 2 बार ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग और ऑनलाइन मोड में छात्रों को दाखिला देने की अनुमति दी थी। कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष के फैसले का फायदा लगभग 5 लाख स्टूडेंट को मिला। उन्होंने यह 1 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ा, उनका साल बर्बाद नहीं हुआ। अकादमिक वर्ष के बीच में ही अपने डिग्री कोर्स में शामिल होने में मदद मिल गई है, तो इन्होंने ये बताया है, इसका फ़ायदा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग और ऑनलाइन मोड में जो के लिए 1 वर्ष में 2 बार एडमिशन लेने की अनुमति देने के बाद यूजीसी पोर्टल पर उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जुलाई 2022 में कुल 1,57,000 छात्रों ने कहा एडमिशन हुआ, और जनवरी 2023 में ODL और ऑनलाइन कोर्स से अतिरिक्त 4 लाख से ऊपर छात्रों ने एडमिशन लिया। ये जो शानदार बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। कुमार ने कहा कि साल में 2 बार यूनिवर्सिटी एडमिशन होने से उन स्टूडेंट को फायदा होगा जिनकी 12वीं बोर्ड रिजल्ट देर से घोषित होती है, या फिर या हेल्थ कारण या निजी समस्याओं के चलते वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, ये कहना है यूजीसी के चेयरमैन। और आगे उन्होंने बताया कि कई देशों में पहले से ही व्यवस्था बनाया गया है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि दुनिया भर के विश्वविद्यालय में पहले से ही ये नियम चल रहे हैं, चक्कर चल रहे हैं कि साल में 2 बार आपका एडमिशन होगा। इनका कहना है कि ये विदेशों में भी ऐसा होते आया है। अगला क्या है, विश्वविद्यालयों में के लिए 2 बार प्रवेश अनिवार्य नहीं। विश्वविद्यालयों के लिए साल में 2 बार प्रवेश देना अनिवार्य नहीं होगा। जिन संस्थानों के पास आवश्यक ढांचा और शिक्षा संकाय हैं वे इसका लाभ उठा सकते हैं। यह वह लचीलापन है जो यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रदान करता है जो अपने छात्रों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और उभरते क्षेत्रों में नए कार्यक्रम पेश करना चाहते हैं। साल में 2 बार छात्रों को प्रवेश देने में सक्षम होने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने संस्थागत नियमों में उपयुक्त संशोधन करने होंगे। यानी जो अगर यूनिवर्सिटी और चाहे जो इंस्टीट्यूशन जो है उनके पास संसाधन नहीं है तो साल में 2 बार नहीं भी ले सकते हैं, और सुगमता से होगा कामकाज। इससे लगता है कि काम जो वर्डन पड़ रहा है स्टूडेंट पर, चाहे टीचर पर और संकाय पर, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ पर, वो वर्डन कम कम होगा, वो बोझ कम होगा। तो ये रहा जो एडमिशन से रिलेटेड यूजीसी का नया रूल। तो ये आपको, आपके हर आदमी को, हर स्टूडेंट को, चाहे हर आदमी को, इंडियन को ये जानना चाहिए। इसका फायदा होगा आने वाले समय में स्टूडेंट के जो पढ़ना चाहते हैं वो, उस पेरेंट्स को भी जानकारी होना चाहिए जो अपने बच्चों को यूजी पीजी या में एडमिशन लेना चाह ले दिलाना के लिए सोच रहे हैं, उन तक ये खबर होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि किन किन यूनिवर्सिटियों में निकलना होगा। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, व्हाट्सअप कर दें और फेसबुक और इंस्टाग्राम हर जगह इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि जो भी हर भारत के हर लोगों की ये जानकारी होना चाहिए जो एजुकेशन से जुड़े होंगे। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़। मिलते हैं एक इसी तरह के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए आप यूनिवर्सिटी न्यूज़।